हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स और मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ बच्चों फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ आई कैन सी अंजुल सिंह आदित्य पांडे उज्जवल सुभाष एवरी वन इजर गाइज गुड शुरू करने वाले बच्चों आज की क्लास ये आपका अपना चैनल है जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेटा बेल आइकन हिट कर लो जिससे आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलता जाए ठीक है सो आज का सेशन भी होगा दैट 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 डिपेंड ऑन वन ठीक है सुबह सुबह बच्चों द हिंदू के बढ़िया बढ़िया से शब्द और उनके साथ में कुछ रीडिंग स्किल्स का इंप्रूवमेंट एंड यू आपका दिन बनाने की पूरी तैयारी की गई है कि आपको दिन में लगे दिन में आप जब सोचो तो आपको लगे कि सुबह सुबह इतना प्रोडक्टिव पढ़ लिए तो अब कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया होगा ठीक है तो बच्चों शुरू करते हैं सेशन को लेट्स सी जय सुजीत कुमार ठीक है गुड गुड चित्रेश जितेंद्र अंजुल पांडे ठीक है तो काव्या जय हिंद तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन है वोकैबलरी एंड रीडिंग बूस्टर ये इसका नाम रहेगा फिक्स आपके वोकैब और रीडिंग को बूस्ट करने के लिए बेटा ये सेशंस बनाए गए हैं आप जानते हो कि दोनों चीजें आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं सीएपीएफ का एग्जाम देने वाले डेली एक आर्टिकल मिलेगा यू विल बी बेनिफिटेड बाय दट आर्टिकल ऑल्सो ओके सो गाइज मैं आपको बता रहा हूं कि यह सेशन क्या जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उन्हें पहले मैं आपको अपने बारे में बता दू देच एंड एवरीथिंग के सेशन कैसे डिजाइन किया गया है बच्चों यह चैनल है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स और इस पर मैं पढ़ाता हूं मेरा नाम है डॉक्टर अमीशौध दीज आर माई क्रीडेश मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में ग्यारह साल से ज़्यादा हो गए बच्चों पढ़ाते हुए टॉट सी डी एस सी ए पी एफ सारे एग्जाम्स पढ़ाएं और एक लाख से ज़्यादा अभी तक मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ बेटा मंडे टू फ्राइडे सेवन पी एम में आता हूँ और मंडे टू थर्सडे नाइन ए एम लेकिन नाइन ए एम जो होगा सिर्फ द हिंदू का वोकैब सेशन होगा यानी कि यहां आप सिर्फ और सिर्फ वोकैब के लिए आएंगे और बाकी बच्चे सेवन पी में हम अपना ग्रामर वोकैब वॉटर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो एग्जाम आते रहते हैं उसके हिसाब से वो बना लेते हैं सात वाला तो दो टाइम बच्चे फिक्स है सुबह नौ बजे शाम को सात बजे ठीक है सो यू कैन बी लाइव विद मी सो गाइज नाउ दिस इज ये है आपका आपकाडमी प्लस इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट डेली लाइव क्लासेज अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस टू द टीचर्स बेटा वॉट एवर एग्जैक्टली यू वॉन्ट एवरीथिंग इज एंड यू कैन प्रिपेयर विद द बेस्ट एजुकेटर्स एंड कोर्सेज तो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन बेटा चलते रहते हैं हमेशा आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे ओके बेटा हुई थी पांडे कल सात बजे वाली क्लास भी हुई थी ओके सो गाइज यू विल गेट द सिलेबस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के थ्रू बेटा आपको सिखाते हैं कि कैसे बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचा जाता है और ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे गाइज बस आपको क्या करना है प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन अनएकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है ठीक है फ्टर दैट यू हैव टू जस्ट चूज योर कैटेगरी है सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ और यहाँ लिखा आएगा सब्सक्रिप्शन जब भी सब्सक्रिप्शन लें मेरा रेफरल कोड ए एम सर डाल दें तो आपको इंस्टेंट दस परसेंट यानी कि टेन परसेंट का इंस्टेंट एंड फ्लैट डिस्काउंट विल बी ओके यू विल गेट दिस इज ऑल्सो सर न्यूज पेपर खोल के बैठे हैं क्लास में बहुत अच्छी बात है कोई बात नहीं बेटा न्यूज पेपर खोल के बैठो वॉट एवर ठीक तो मैं आपको बताता रहूंगा मैंने शायद डेट नहीं डाली है कल का एटीन ऑफ का बेटा जो आर्टिकल मैंने लिया है वो अठारह तारीख का है ठीक है जो नेक्स्ट बात करें हमारी टेलीग्राम ऐप है बच्चे इसे जरूर शेयर कर इसे जरूर ज्वाइन कर लेना इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दैट इज ओनली फॉर द नोटिफिकेशन कि आपकी क्लास मिस ना हो यू कैन ज्वाइन हियर एंड गाइस जैसा कि अके अकेडमी प्लस से जोड़ने के लिए अकेडमी सब्स्रिप्शन पर काम करते हो तो दे आर सिक्स फाइव सब्स्रिप्शन वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मन ट्वेंटी फोर मंथ्स लेकिन इसमें बच्चों बारह महीने और चौबीस महीने के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ना दीज आर द बेस्ट वी हैव दब्सक्रिप्शन है। महीने और चौबीस महीने सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि हम आपको बताते हैं कि आठ से दस एग्जाम हो जाते हैं बेटा हर साल सी डी एस एफ सी एपीएफ सब लगा के उससे अलग मैं आपको जल्दी से बता दूं कि बेटा रिटर्न एग्जाम होता है ना सी एपीएफ का ये भी एंड प्लस आप एस एस बी की तैयारी करते हो बेटा ये भी एवरीथिंग विल बी हेयर एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलता है तो इतने सस्ते में और कुछ नहीं आने वाला है ठीक है हाँ बेटा हम मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा ठीक है अभी समझाता हूँ बस एक मिनट का मुझे टाइम दो जो बच्चे नए जुड़े हैं मुझे पता है वो बड़े है कि क्या होने वाला है तो मैं बताता हूँ सो गाइज 24 महीने 12 महीने सब्सक्रिप्शन है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है कितने में एट में वहां आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे ए एम सर सारे लेटर बेटा कैपिटल है कोई स्पेस नहीं है फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा इसके बाद आपको कि आप चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन लें जो आपको थ्री सिक्सटी रुपीज पर मंथ पड़ता है लेकिन कब जब आप मेरा रेफरल कोड एम सर यूज करते हैं ठीक है सर आई एम बिग फैन ऑफ योर क्लासेज एंड ऑल्सो अबाउट कोल्डनेस एंड सुपर टीचिंग स्किल्स एंड क्लियर एंड कॉन्सेप्ट क्लियर सर थैंक यू बेटा आई एम योर ग्रेट अपूडेंट एट आई डॉन्ट नो हाउ टू क्रैक इंग्लिश बट आपने करवा दी बहुत अच्छे धीरज शर्मा बहुत अच्छी बात है बच्ची इंग्लिश हुई ना आपकी ब्रेक सही है नहीं सर पूछ रहा हूँ न्यूज़ पेपर भी साथ में ले कर लेना रखना है नहीं रखना है आदित्य कोई न्यूज़ पेपर साथ में नहीं रखना है मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है ठीक है आ जाऊँ सो so गाइज मेरा नया है लक्ष्य सी ए पी एफ ट्वेंटी ट्वेंटी बेटा डिस्क्रिप्टिव होता है ना जिसमें आपको ऐसे राइटिंग और आपका प्रेसिस राइटिंग आर्गुमेंट राइटिंग डिबेट राइटिंग वो सब कुछ कराएंगे ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे से बेटा ये बैच शुरू हो जाएगा और इसको ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड एम सर यूज कर लेना टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है छब्बीस मई से बेटा ये बैच आ रहा है इसके लिए बिल्कुल भी आप चांस ना लें जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें क्योंकि यहां मैं आपके पेपर भी चेक करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कैसे चीजें होती है ठीक है तो पूरा बैच बच बच्चे बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली डिजाइन किया गया है ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है डबल एट फाइव वन नाइन डबल जीरो डबल टू वन गाइज इस नंबर पे कॉल करके आप सब कुछ पूछ सकते हैं वॉट एवर एग्जैक्टली यू वॉन्ट कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग बैच रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन आप यहां कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ठीक है अब हम शुरू करते हैं सेशन देखो बच्चों ये है सेशन आपके लिए बहुत ध्यान से सेशन की बात सुनना बेटे सब प्लस पे कोई वॉकैब का कोर्स है क्या आपका सूर्या मैंने एक कोर्स बनाया था लेकिन अभी राइट नाउ मतलब कोई लाइव कोर्स नहीं है रिकॉर्डेड पड़ा होगा ठीक है सूर्या आ जाओ बच्चों सबसे पहले कोटेशन ऑफ द डे डे इट इज ओनली टू मेक योर आपका दिन बनाने के लिए है बस द हिंदू एडिटोरियल वर्ड्स सुनो ये जो हिंदू के एडिटोरियल वर्ड्स है ना बेटा मैं जिस एडिटोरियल के वर्ड्स आपको कराऊंगा जिस भी मतलब जो भी आपका पैराग्राफ होगा जो भी एडिटोरियल होगा ठीक है बेटा वही एडिटोरियल मैं आपको बाद में एड करके दूंगा ठीक इसकी आपको क्या मिल जाएगी बेटा पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है अब कल वाला एडिटोरियल हमने पिक्चर फॉर्मेशन में दिया था आज वाला बहुत अच्छा है आप इसको यहीं से पढ़ सकते हैं जब बेटा ये पीडीएफ मिलेगी तो कल जब आप आओगे तो इससे रिलेटेड बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बात समझ गए तो ये आपकी किस लिए कराना चाह रहा हूं बेटा मैं आपको इसलिए कराना चाह रहा हूं कि आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हों आप लोग सिर्फ ऐसे ना बैठे कि क्लास में आके बैठ जाते हो सुन के चले जाते हो ठीक है बेटा फाइव ईडीएम कराए गए हैं फ्रेजर वर्ब्स हैं प्लस आज एक चीज और बढ़ा दी गई है सिनोनिम्स एक बच्चे ने कहा था सर कुछ सिनोनिम्स भी डाल दिया करो ठीक है और टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स कराए जाएंगे ठीक तो बच्चों ऐसा ये सेशन होगा इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी वॉकएप भी मिलेगी और आपका रीडिंग का इंप्रूवमेंट भी होगा लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा गैटिंग माई पॉइंट तो जो बच्चे कल मेरे साथ जुड़े थे उनके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जल्दी से सेशन को बेटा सब्सक्राइब कर सॉरी शेयर कर दो जिससे बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं और ये छोटा सा टेस्ट है कल का आपको मैचिंग वाइड करना है जल्दी से एक मिनट में मैच वाइड कर दो फिर हम सेशन शुरू करते हैं बेटा डेली आपकी नॉलेज टेस्ट होगी कि आप सच में पहले वाला पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो और पूरे के पूरे सेशन की ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी बच्चे आपको पीडीएफ भी मिलेगी ठीक है यू विल गेट द पीडीएफ आल्सो एक तो आप या तो ये वाला चैनल देख लेना लेट्स क्रैक लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स बेटा या तो ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या फिर इंग्लिश दुनिया कोई सा भी एक टेलीग्राम बेटा आप ज्वाइन कर लो दोनों पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगी ठीक है? ऐसे नहीं एक बार में बताओ बच्चों नहीं वन ए का सी ऐसे नहीं करना है आप ऐसे लिखते चले जाओ वन का ए होगा ठीक है टू का सी होगा ऐसे बनाते चले जाओ एक ही मैसेज में सारे लिख दो फटाफट करो इससे पता चलेगा कि कितने बच्चे कल पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए या फिर आपसे पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव करते रहते हो या फिर पढ़ते भी हो बेटा डेली आपकी नॉलेज टेस्ट होगी अगर आप सेशन को अच्छे से करोगे तभी इंप्रूवमेंट होगा अगर आप ये सोचते हैं कि सर ने करा दिया बस हो गया वो नहीं है बेटा डेली नॉलेज टेस्ट होगी इवन आपके रीडिंग स्किल्स भी मैं टेस्ट करूंगा ठीक है शंकर का कोई कमेंट है टाइमिंग बेटा टाइमिंग फॉर वॉट दैट बैच बेटा उस बैच की जो टाइमिंग है वो होगा ट्यूजडे में और थर्सडे में 4 पीएम 4 बजे बेटा ठीक है ये इसकी टाइमिंग्स है बेटा वहां क्यों डलवा रो इतनी जगह पीडीएफ नहीं डाली जाएगी ना सौरभ मैं कहां तक बेटा पेश करता रहूंगा आपको दो जगह बता दी आप वहां पे इसको सेव कर लो ठीक है जल्दी से करो अब ये वो बच्चे देखना जो कल का पढ़ के आए हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे बाकी नहीं कर पाएंगे ठीक है मेक इट फास्ट गाइड जल्दी से करो बेटा और डेली देखो आज तो मैंने सिर्फ आपकी वॉकैब चेक की है कल मैं आपका रीडिंग भी चेक करूंगा आई जस्ट वॉन्ट टू सी क्या पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो वॉन्ट टू इन्वॉल्व यू बेटा इसको ना आप एक तरीके से ऐसे समझो ये यूट्यूब नहीं है बेटा आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट अ प्रॉपर क्लास रूम फॉर वकैब एंड रीडिंग गाइज क्या आप चाहते हो कि प्रॉपर क्लास रूम बने जैसे से यस अन नो क्या आप चाहते हो कि एकदम प्रॉपर क्लासरूम जैसा हो जैसे यूट्यूब का एक स्टैंडर्ड है ना कि यूट्यूब मतलब वहां कुछ पढ़ाया जा रहा है हमें बस सुनना है नहीं हम एक ऐसा नहीं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं बना सकते यहां पे कि डेली वो कैब हो डेली हम उसके साथ में काम करें यस बिल्कुल ना तो बस आप पढ़ के आओ मैं इसको प्रॉपर क्लासरूम बना के दूंगा आपको वो का ठीक है आ जाओ शुरू करते हैं बेटा सक सक्स पढ़ाया था ना कल सक क्या था बेटा इसका मतलब टू हेल्प सम वन नीड तो फर्स्ट का आंसर आंसर क्या होगा दैट विल बी सी इज द करेक्ट ठीक है मिला आप लेना नेक्स्ट आ बेटा क्या बताए थे आपको कहा था ना जब आदमी बहुत ज्यादा परेशानी में होता है तो वो उससे कम आउट करता है तो इसका करेक्ट आंसर बेटा, बेटा बी होगा पेंस में बस आंसर लिख देता हूं ठीक है तो फर्स्ट का आंसर सी है सेकंड का आंसर बी ही है थर्ड है आरजुअस आरजुअस कौन था किसी काम को बहुत ताकत से करना ठीक है फोर्सफुली करना तो इसका मतलब क्या होगा बेटा इसमें देखो स्टैंड इन डिटेल डी विल बी द करेक्ट आंसर क्रक्स याद करो कराया था ना क्रक्स की क्रूसियल यही वाला वो पॉइंट है जिसका डिस्कशन होगा तो बेटा फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा ई e होगा मेन पॉइंट और एक्सप्लीसिट करना यानी कि किसी चीज को बहुत अच्छे मैन में एक्सप्लेन करना दिस इज द करेक्ट आंसर सो गाइस बताओ समझ आ गया कितने बच्चे हैं जिनके सारे सही हैं जल्दी से बता दो बहुत बढ़िया कुछ बच्चे पढ़ के आए बहुत सही लग रहा है वेल्डन गाइज वेल्डन तो कल आप ऐसे ही आंसर करेंगे ऐसी ही चीजें मैं आपके हां बेटा क्रिटिकल पॉइंट होता है तो मैंने क्रक्स को क्रिटिकल ना लिख के मेन पॉइंट लिखा है क्योंकि मुझे भी तो वर्ड चेंज करना पड़ेगा ना एक्सरसाइज बनाने के लिए बेटा यहीं पर मैं आपको पारस कह रहा हूं यही कंप्लीट क्लासरूम हो जाएगा तो व्हाट इज द नीड टू गो विद एन अकेडमी प्लस विद नाउ बेटा अभी आप यहीं पढ़ो ठीक है सारे सही है करेक्ट बहुत बढ़िया कल फिर टेस्ट लेंगे आज शुरू करते हैं आज का सेशन दिस इज बेटा ये है आपकी कोटेशन ने कही थी और सच बात है कल भी मैंने क्या कोटेशन बताई थी कि जो बुद्धिमान लोग होते हो हैं याद आ रहा है ना वो हमेशा खुद को मूक समझते हैं मूर्ख लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना द दे आर वाइज बट वाइज पीपल थिंक दैट दे आर फूल ठीक है सो वही बच्चों आज की एक बढ़िया से कोटेशन है इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो देखो बहुत अच्छी बात है इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो सच में ये मैटर ही नहीं करता है कि हम कितने धीरे चलते हैं एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि यदि तुम ना रुको मतलब अगर आप बिना रुके चलते हैं तो ये मैटर करता है नहीं कल विलियम से एक्सपेयर की थी आज कंफ्यूजियस की है, ठीक है बच्चों ये बात हम सब जानते हैं जैसे जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमने एक सीरीज चलाई थी बेटा 1500 क्वेश्चंस की याद आ रहा है 1500 क्वेश्चंस की तो गाइज जब पहले दिन हमने वो सीरीज ली थी तो देव क्वेश्चन नंबर वन लेकिन आज हम करीबन करीबन वन थ्री एट जीरो के आसपास बेटा उस सीरीज में है वन थ्री सिक्स जीरो ठीक है तो इतने क्वेश्चंस बेटा हम करा चुके हैं तो मैं यही बता रहा हूं कि सच बात है पहला दिन हमें बस करना होता है एक बार हम शुरू कर दें फिर सब कुछ बढ़िया होगा ठीक आ जाओ ओके सो ये मत सोचना कि आप कितने धीरे चल रहे बेटा बस चलते रहो ये बहुत जरूरी है आ जाओ द हिंदू एडिटोरियल टाइम ठीक है बच्चों पीपीडी में कोई भी चीज चेंज करवानी हो कुछ भी करवाना हो बता देना ठीक है अपनी पूरी मेहनत की है कलर वलर सब कुछ बढ़िया करने की द एडिटोरियल का हिंदू का बेटा एडिटोरियल टाइम सुनो कुछ वर्ड्स पढ़ाएंगे और जो मैं वर्ड्स करा रहा हूं सुन लो इन वर्ड से रिलेटेड एडिटोरियल बेटा आज आपको मिल जाएगा ठीक है इसी के साथ पीडीएफ अटैच होगी आपको बस करना क्या है वो एडिटोरियल ढंग से पढ़ के आना है और कल मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है ऐसा ही एक छोटा सा टेस्ट होगा तब पता चलेगा ओके गोड अमित का बेटा आज हूं फार्म गेट बेटा एक वर्ड आया था ठीक है इसका मतलब क्या होता ये है ये नाउन है द गेट वे टू अम गेट वे होता है ना फार्म के लिए खेती के लिए एज रिप्रेजेंटेटिंग द लोकेशन फॉर डायरेक्ट परचेज और फार्म प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस माने क्या बेटा फार्म क्रॉप है क्रॉप को भी ना प्रोड्यूस कहते हैं नाउन होता है यहाँ ठीक है तो हमने कहा द गेट वे टू फार्म एक फार्म के लिए गेट वे मिलेगा एज रिप्रेजेंटेटिंग द लोकेशन फॉर डायरेक्ट परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस ठीक है एज मोडिफाइड फार्म गेट प्राइस तो कहते हैं ना फार्म गेट प्राइस क्या है यानी कि जहां हम इसको सेल करते हैं अपनी फसल को उसका प्राइस क्या है ठीक बड़ा आसान सा वर्ड है फार्म गेट प्राइस ये तो याद हो जाएगा ठीक है जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फ्रॉड वर्ड है आपका फ्रॉड फ्रॉड क्या है फ्रॉड एक एडजेक्टिव है ठीक है फ्रॉड का मतलब क्या है बेटा समझो फ्रॉड विद प्रेडिकेटिव मतलब प्रेडिकेटिव होता है ठीक है ऑफ इसका प्रेडिकेटिव ऑफ सिचुएशन और कोर्स ऑफ एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन बेटा ये सिचुएशन और कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आता है फ्रॉड ठीक है फिल्ड विद और लाइकली टू रिजल्ट इन समथिंग अनडिजायरेबल फेल्ड विद और लाइकली टू रिजल्ट इज समथिंग अनडिजायरेबल बेटा कुछ ऐसा होता है ना जो आप नहीं चाहते उसके लिए हम फ्रॉड लगाते हैं ऐसे लग रहे हैं ना जैसे फियर की बात करें डर की बात करें इट इज कॉल्ड द फ्रॉड एंग्जाइटी बिल्कुल सही आए मार्केटिंग एनी न्यू प्रोडक्ट इज फ्रॉड विद डेंजर समझ आ रहे हैं अगर मैं मार्केटिंग करता हूं किसी भी न्यू प्रोडक्ट की इस फ्रॉड वो भरा हुआ है विद डेंजर खतरे के साथ में समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो फ्रॉड विद डेंजर मतलब उसकी सेल होगी या नहीं होगी कंपनी को घाटा होगा ठीक है तो दैट इज कॉल्ड द फ्रॉड नेक्स्ट आ जाओ कॉजिंग और अफेक्टिंग बाई एंग्जाइटी और स्ट्रेस बात बात समझ आ रही है बेटा एंग्जाइटी और स्ट्रेस की बात करते हैं ठीक है थीके? देर वॉज अ फ्रॉड साइलेंस बहुत चुप साइलेंस था जैसे कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति तो देर वॉज अ फ्रॉड साइलेंस मतलब बहुत डरा देने वाला साइलेंस था आशी साउंडेड बिट फ्रॉड और वो थोड़ी सी ऐसे साउंड करती जैसे बिट फ्रॉड बहुत ज्यादा मतलब गंभीर हो ओके बच्चों समझ आ रहे हैं क्लियर हुआ वर्ड फ्रॉड ठीक है ध्यान से पढ़ना देखो अगर मैं आपको ये बता दूं मैं चाहूं तो इनके भी ऐसे लिख दूं कि दू, इसके भी सिनोनिम्स लिख दूं इसके एंटोनिम्स भी लिख दूं लेकिन नहीं बेटा वो होता क्या है ना अपने आप में एक मैथ बन जाता है कि इतने सारे वर्ड सामने होते हैं तो आप याद नहीं कर पाते इसलिए मैं प्योर पढ़ा रहा हूं ऐसे ही वर्ड्स कराएंगे इसी का एडिटोरियल आप पढ़ोगे ये वर्ड का रिवीजन वहां हो जाएगा एडिटोरियल में और आप देखेंगे आपको एक एक वर्ड हंड्रेड परसेंट याद होगा आगे आज बेटा वर्ड है अशर अशर क्या होता है नाउन अशर मतलब एक नाउन होता है अ पर्सन हु शोज पीपल टू देर सीट्स स्पेशली इन सिनेमा और थिएटर और एट अ वेडिंग जब आप मूवी देखने जाते हो अब तो पता नहीं कब जाओगे तो वह एक आदमी होता है ना बेटा टॉर्च लेके आपको बताता है वो सीट नंबर है किस आइल में है ठीक है उस आदमी को हम अशर कहते हैं और अगर लड़की होती तो ई डबल एस लगा देते वो अश्रेस बन जाती ठीक है तो एन असर एट द सिनेमा व्हेन द फिल्म वाज फर्स्ट रिलीज सम वीक्स अगो बट देर सेल नोट आउट्स मतलब नो सेल आउट्स अब कोई सेल आउट नहीं है लेकिन शुरू शुरू में तो बहुत बढ़िया था ठीक है दैट इज कॉल्ड असर द हिंदू का आर्टिकल अलग से अटैच कर दिया करे प्लीज बेटा आज का आप सेशन देखो मैंने आज इतने अच्छे से अटैच किया है टेक्स फॉर्मेशन में कि आप आज आपको आज आप कहीं जाके नहीं पढ़ना है ठीक है हाई फिटनेस आज आप अटैच देखना आज का अटैचमेंट कल वाले से ज्यादा बेटर है कल पिक्चर अटैच की थी आज बेटा मैंने टेक्स्ट अटे, अटैच की है ठीक है तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी वी विल मेक इट बैटर डे बाई डे बेटा डेली हम इसको बैटर करते जाएंगे आप घबराओ मत बस आप अपने सजेशन देते जाओ अशर एक वर्ड भी होती है बेटा इसका मतलब होता है समथिंग इन विद ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन कॉज टू मार्क द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे आप किसी चीज का न्यू स्टार्टअप करते हो जैसे रेलवे असर्ड इन एन एरा ऑफ चीप मास्ट्रेवल तो द रेलवे असर्ट मतलब असर्ड होगी स्टार्टेड इन एन इन एन एरा ऑफ चीप मास मास्ट्रेवल एक नया चीप मास मास्ट्रेवल के लिए असर्ड है ठीक है तो बेटा इसका मतलब कॉस्ट टू मार्क द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू यानी कि कुछ नया होने वाला है ठीक है आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अशर क्लियर हुआ बेटा अशर मतलब जो रास्ता दिखा देता है हा एक आपने सुना होगा यू एस यू आर पी अजर ये वर्ड सुना होगा बेटा अजहर अजर मतलब क्या होता है स्नेच कर लेना यानी कि किसी की प्रॉपर्टी को बेटा छीन लेना अजर पर होता है ना जो किसी की प्रॉपर्टी को हथियार लेता है तो वो अजरब करता है ठीक है तो दोनों थोड़े साउंड सेम से लगते हैं ये अशर है वो अजरब है नेक्स्ट आ जाओ बेटा ट्रेंच ट्रेंच मतलब क्या है नाउन है पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी बेटा ये सारे के सारे वर्ड देखो कितने सही हैं और आप अभी देखोगे कि बिल्कुल सही से वर्ड्स आए हैं जैसे हमने कहा अ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी किसी चीज के पोर्शन को कहते हैं ठीक है लेकिन सबसे जरूरी है वो मनी के रिलेशन में आता है जैसे इंडियन गवर्नमेंट रिलीज द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ द लोन अब समझ आ गया बेटा पहला पोर्शन रिलीज कर दिया ये आप ऐसे ही वर्ड्स आप कहां देखोगे आपके एडिटोरियल में समझ गए हो ना जब आप पढ़ोगे तो बेटा सेम वर्ड्स मिलेंगे इसलिए मैं कह रहा हूं सब याद होगा बहुत बढ़िया से याद होगा इट विल सेट असाइड इक्वल शेयर ऑफ टू ट्रेंचेस समझ गए पोर्शन टू ट्रेंचेस इट विल सेट असाइड इक्वल शेयर ऑफ टू ट्रेंचेस इफ द रिटेल पोर्शन इज मोर देन हंड्रेड टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड बच्चों सेंटेंस भी आपको अच्छे मिलेंगे राम मोहन सोन वाले सेंटेंसेज बिल्कुल नहीं है कनेक्ट मिश्रा हैलो सर गुड मॉर्निंग मुझे इस क्लास के बारे में बिल्कुल नहीं पता था ओके सो so बच्चे आप पता चल जाएगा आज ही सेकंड क्लास है बस ठीक है जो बच्चा पूरा सेक्शन देखेगा उसको समझ आएगा कि एडिटोरियल को कितने अच्छे से अटैच किया गया आज ठीक है आगे आ जाओ अकॉर्डिंग टू लोकल मीडिया रिपोर्ट द स्टेट सोशल सिक्योरिटी फंड सब्सक्राइब टू अ लार्ज ट्रेन ऑफ शेयर आगे समझ बच्चे अकॉर्डिंग टू लोकल मीडिया रिपोर्ट्स जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स है ना द स्टेट लोकल सिक्योरिटी फंड है सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब किए गए टू अ लार्ज ट्रांच ऑफ शेयर मतलब कई सारे लार्ज पोर्शन ऑफ शेयर में ठीक है तो लार्ज पोर्शन ऑफ शेयर होगा बेटा तो ट्रांच का मतलब होगा पोर्शन तो होगा ठीक है लेकिन किसका होगा स्पेशली फॉर मनी होगा ठीक नेक्स्ट आ जाओ एग्रीगेशन बेटा एग्रीगेशन आसान वर्ड है नाउन है द फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर और थिंग्स इन टू अ क्लस्टर समझो ये बेटा दो तरीके से आता है या तो नंबर्स को ये जो लिखा गया ना थ्योरी को मैं क्लियर कर देता हूं या तो बहुत सारे नंबर्स को आप एक साथ कलेक्ट करते हो या फिर बेटा मास नाउन को कलेक्ट करते हो ठीक है जैसे देखो अ सिंगल डोज ऑफ एस्पिरिन

आयुष चौधरी बात समझ गया ना आपको बिल्कुल भी अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेने की दैट इज फॉर द सीएपीएस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है फिर आपका गेट भी ओपन हो जाएगा और आप सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं ठीक है बस मेरा रेफरल कोड याद करना बेटा एम सर इससे ये बेनिफिट होगा आपको तभी टेन का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है आयुष सर ये क्लास कब तक रहती है नाइन थर्टी से नीतू मैम की क्लास रहती है प्लस पे बेटा मेरी क्लास ये मैं नाइन थर्टी फोर्टी फाइव तक लेता हूं मतलब मैं भी चाहता हूं पैंतीस पैंतालीस मिनट की क्लास हो ठीक है जाओ तो शुरू करें हाँ बेटा बिना कोड के एट थाउजेंड का पड़ेगा सही बता रहे आठ हजार का पड़ जाएगा ठीक है क्यों बेकार में लॉस कर रहे हो सुबह सुबह जाओ सो हमने देख लिया आप अब देखो अ क्लस्टर ऑफ थिंग्स दैट है कम और बीन ब्रॉट टूगेदर बेटा जब मैं पढ़ाया करूँ ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो देखो सच बताऊं मेरा इधर उधर की बातें करने का मन नहीं होता क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ बना के लेके आया हूँ एंड आई वॉन्ट कि आपके ना थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट बेटा बिल्कुल प्रोडक्टिव हो ठीक है हम एक दो मोटिवेशनल बातें करें तो अच्छा लगता है लेकिन सेशन बस मोटिवेशनल बातों में खत्म हो जाए सेशन में प्रोडक्टिविटी ना हो तो बेटा वो सेशन खराब होती है ठीक है तो इसलिए अब फटाफट देखने की कोशिश करते हैं अ क्लस्टर ऑफ थिंग्स दैट हैव कम और बीन ब्रॉट टुगेदर मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ रख देना दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेशन एग्रीगेट करना जैसे द पेलिकन इज द अदर बर्ड देखो द पेलिकन इज द अदर बर्ड लाइकली टू बी फाउंड इन लार्ज एग्रीगेशन मतलब बहुत बड़े झुंड में मिलती है तो बेटा यहां हम किसकी बात करें देख पा रहे हो ना आप नंबर की बात करें यहां हम किसकी बात करें बेटा मास की बात करें यानी कि दोनों तरीके से होगा बेटा क्लस्टर मीनस होता है बेटा क्लस्टर ग्रुप होता है किसी भी चीज का जो ग्रुप होता है उसको क्लस्टर कहते हैं ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि सोसाइटी कहते हैं ना कि उस क्लस्टर में अभी कोरोना फैला हुआ है जैसे धारा भी है आप कह सकते हो उस क्लस्टर में बहुत सारे लोग हैं तो क्लस्टर मतलब ग्रुप बना लेते हैं, ठीक नेक्स्ट आ जाओ एग्रीगेशन ऑफ मार्क्स बिल्कुल सही है बेटा एग्रीगेशन ऑफ मार्क्स होता है ना वही वर्ड है ठीक है आ जाओ एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है बेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है रिमूव और आउट बाहर निकाल ताकत से। जैसे the decayed tooth will have to be extracted. सही है 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 जो जो आपका खराब हो गया दांत बी एक्सट्रैक्टेड उसको तो बेटा एक्सट्रैक्ट करना ही होगा निकालना ही होगा ठीक है आगे आता है ऑप्टेन समथिंग सच एज मनी और एंड एडमिशन देखो जितने भी चीजें हो सकती हैं ग्रीन कलर में लिखी गई हैं वो सब आपको मीनिंग ही मीनिंग मिलेंगे ठीक है आगे देखते जाओ ऑप्टेन करना बेटा प्राप्त करना समथिंग सच एज मनी और एन एडमिशन या तो पैसे प्राप्त कर लेना या एडमिशन फ्रॉम सम वन इन द फेस ऑफ इनिशियल अनविलिंगनेस मतलब वो अनविलिंगनेस है एंट्री देने के लिए कि फिर भी अंदर चले जाना जैसे आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट अ प्रोमिस फ्रॉम यू समझ आ गया आई वॉन्ट लेट यू गो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा विदाउट ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट अ प्रोमिस जब तक मैं एक्सट्रैक्ट ना करा लू अ प्रोमिस फ्रॉम यू तुम तब तक जब तक मुझे वादा ना कर दो तब तक मैं जाने नहीं दूंगा ठीक है शंकर कहते हैं थोड़ा धीरे करो ठीक है शंकर सर आपकी क्लास यूट्यूब से हटा ली जाएगी नहीं हटेगी बेटा नहीं हटेगी मैं आपको सच बता रहा हूं मैं चाहता हूं जैसे जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं बेटा मैंने 7 पीएम को फिक्स कर दिया ना हमेशा मेरी क्लास सात बजे होती है बेटा मैं नाइन ए को भी वैसे ही फिक्स कर दूंगा ये क्लास हमेशा नाइन ए होगी और बेटा डेली आपको पी मिल जाएगी इसकी तो यू विल गेट द बेनिफिट आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ यूट्यूब क्लास नहीं होगी बेटा एक ऐसा क्लासरूम होगा जैसे आप पढ़ते हो ठीक है एवरी थिंग विल बी डिस्कस्ड यो कैब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सब कुछ आपका कंप्लीट करा देंगे बस आपको कंटिन्यू करना है और फिर मैं कहना चाहूंगा बेटा अगर आप कहते हो कि सर एक दिन में कुछ हो जाएगा या एक वीक में कुछ होगा तो बेटा कोई कमिटमेंट नहीं है महीनों में जाके कुछ ना कुछ निकल के आएगा ठीक है आ जाओ तो हमने कहा नाउन क्या है बेटा इसका देखो नाउन भी होता है एक्सट्रैक्ट का पीस ऑफ राइटिंग म्यूजिक और फिल्म जैसे किसी म्यूजिक का हम एक निकाल लेते हैं फिल्म का निकाल लेते हैं वो तो होता है ना एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल फिल्म ठीक है किसी ऐतिहासिक मूवी का ये एक्सट्रैक्ट है यानी कि सीन है जैसा आप कहते हैं ना पैराग्राफ हमने वहां से लिया है ये लाइने वहां से ली हैं तो लाइनों को एक्सट्रैक्ट कहते हैं इस पैराग्राफ को एक्सट्रैक्ट कहते हैं आपने कहा ये जो मैंने कॉलर लगा रहा है ये उस वाले गाने गाने की है वो उसका एक्सट्रैक्ट होगा ठीक है बाहर निकाल लेना ठीक नेक्स्ट आओ डन सर लास्ट में कुछ रूट वर्ड्स भी बता देना इंपॉर्टेंट सागर जाट देखो आज का सेशन में रूट नहीं है मैंने कल कहा था कि रूट भी कराएंगे लेकिन रूट हम आगे बढ़ाएंगे अभी और बहुत सारी चीजें उन्हें भी करते जाओ हम सब कुछ जोड़ेंगे ठीक है आ जाओ नेक्स्ट बेटा एग्रेरियन ये वाला वर्ड बहुत काम का है जब आप पूरा पैसेज पढ़ोगे आपको पता चलेगा एग्रेरियन उसमें आया ठीक है एग्रेरियन क्या होता है रिलेटिंग टू कल्टीवेटेड लैंड ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ लैंड बेटा एग्रेरियन होता है रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ लैंड लैंड का जो कल्टिवेशन होता है वो एग्रेरियन है उससे रिलेटेड वर्ड है जैसे ब्राजील इज रैपिडली डायवर्सिफाइंग इट्स एग्रेरियन इकोनॉमी समझ आ गया, गया बेटा रैपिडली डायवर्सिफाइंग करती जा रही है मतलब डायवर्सिफाई कर देना ऐसे बांट देना ना इट्स अपनी इकोनॉमी को जो लैंड रिलेटेड कल्टीवेशन रिलेटेड इकोनॉमी को उसको डायवर्सिफाइड कर रखा है ठीक है जैसे देखो द वर्ल्ड एज अ होल नीड्स टू रिमेन प्राइमरीली एग्रेरियन बहुत अच्छी लाइन है बेटा अब के कम से कम आज के टाइम को देखते हुए कोरोना वायरस के टाइम को देखते हुए बेटा ये लाइन बहुत बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल है समझो द वर्ल्ड एज अ होल नीड्स टू बी रिमेन ली एग्रेरियन मतलब वर्ल्ड को पूरी तरीके से क्या होना चाहिए बेटा एग्रेरियन होना चाहिए यानी कि बेस्ड ऑन फार्मिंग होना चाहिए बट इफ एग्रीकल्चर इज जस्ट अ बिजनेस लेकिन यदि एग्रीकल्चर सिर्फ एक बिजनेस है देन द फ्यूअर ऑन द लैंड द बेटर तो फिर क्या होगा बेटा कि लैंड पे कमी हो ये अच्छा है अगर आप उसको बिजनेस बना देते हैं तो कम होना अच्छा है अदरवाइज बेटा दुनिया को क्या होना चाहिए कनेक्टेड टू द एग्रेरियन यानी कि जमीन से जुड़ना चाहिए गाइस समझ आ रहा है

बेटा पेरिशेबल ये ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है एग्जेक्टिव होता है स्पेशली ऑफ फूड के लिए आता है लाइकली टू डिके जो खत्म खराब होने वाला है और गो बैड क्विकली होता है ना बेटा पेरिशेबल होता है ना वो खतरे खतरे में वो खत्म होने वाला है डिके होने वाला है दैट इज कॉल्ड द पेरिशेबल गाइस सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर दो फटाफट से आगे पढ़ते जाओ डोंट लीव पेरिशेबल फूड समझ आ रहा है बेटा डोंट लीव पेरिशेबल फूड ऐसा फूड जो जल्दी खराब हो जाएगा या फिर जो जल्दी ही डिके हो जाएगा आइटम टू ओवर हीट इन द बूट ऑफ योर कार वाइल यू आर यू डू अदर शॉपिंग समझ आ गया तो ऐसा होता है ना कि हम फूड को कार में छोड़ के चले जाते हैं और बाकी शॉपिंग करते हैं तो हमने सजेशन दिया है डोंट लीव पेरिशेबल फूड आइटम टू ओवर उसे ज्यादा गर्म होने के लिए मत छोड़ो इन द बूट ऑफ योर कार बूट ऑफ योर कार मतलब डिग्गी के अंदर डिग्गी बेटा कोई वर्ड नहीं होता वो बूट ही कहलाता है ठीक है वाइल्ड यू डू अदर शॉपिंग जब तुम दूसरी शॉपिंग करने जाते हो दैट विल बी स्पॉइल्ड समझ गए बेटा पेरिशेबल्स नाउन भी होते हैं पेरिशेबल एडजेक्टिव हो गया एस लगा दिया पेरिशेबल्स नाउन हो गया ये नाउन हमेशा कैसा होगा प्लूरल इसके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी बेटा प्लूरल ये थिंग्स के लिए decay, आता है स्पेशली फूड स्टफ्स होगा लाइकली टू डिक गो बैक क्विकली मतलब आता फूड के लिए ही है, लेकिन वो वाला फूड जो जल्दी खराब हो जाएगा ठीक है बिल्कुल बेटा मिल्क कह सकते हो आप आ जाओ शिपमेंट वॉज डिलीवर्ड इवेंचुअली थ्रू सम ऑफ डिलीवर्ड ठीक है मतलब ऐसा आर्टिकल जो खराब होने वाला है had gone off, वो gone off है ठीक है मिला नहीं है सब पेरिशेबल और extinct की तो मीनिंग जो खत्म होने वाला है होता है बेटा extinct है विच इज गोइंग टू बी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी ये तो अलग है जीत बात समझ पा रहे हो लेकिन पैरिशेबल होता है बेटा, जो खराब हो जाएगा विच इज गोइंग टू डाई ठीक है हाँ बेटा एग्री लैंड टू हार्वेस्ट ऑन होगा बिल्कुल सही बात है हेलो सर आई हैव वन कैन इज द हिंदू पीडीएफ और द हिंदू ऐप सब्सक्रिप्शन बेटा आयुष ये तो बेटा आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर ही लेना होता है ना उसका ई न्यूज़पेपर आप ले सकते हो दैट कैन बी सब्सक्राइब ठीक है जो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट आजो डेयरी प्रोडक्ट यूजेबल बिल्कुल सही बात है गुड ऐसे बता सकते हो देखो वर्ड है बेटा समझो बड़ा अच्छा सा वर्ड है यू कैन सी द वर्ड ओनर्स क्या है है बेटा नाउन समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और हैिटी ओनर्स क्या है दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी ड्यूटी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरा ओनर है जैसे मैं कह रहा हूं बच्चे सुबह नौ बजे मुझे क्लास लेनी है दैट इज माई बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ड्यूटी है जैसे ओनस इज ऑन यू पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस मतलब द ओनर्स इज ऑन यू दैट टू शो ये दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है दैट यू हैव सफर्ड लॉस कि तुमने मतलब लॉस का सामना किया है तुमने बहुत सारी चीजें लूज की हैं ठीक है ठीके? आगे आऊ नेक्स्ट है बच्चे बट इट वुड ऑलो पुट द ऑन द अपोजिशन देखो इट वुड पुट द दस यानी कि रख देता है ऑन द अपोजिशन पार्टीज पे टू यूज पार्टी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यूज करें अपने पावर को बिल्कुल अच्छे से मतलब ये उनके ऊपर बेटा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबल बन के अच्छे से यूज करें दिस इज द ओनस ऑन द अपोजिशन बेटा ओनस याद रहेगा ना आप जब आप वर्ड्स को रियल लाइफ से रिलेट करते हो तो ज्यादा समझ में आता है तो शंकर मैं तो ऐसे ही एग्जाम्पल लिए हुए ना बेटा जैसे आप कह सकते हो कि ये कांग्रेस का ओनर्स है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए जैसे प्रियंका गांधी ने अपने अभी एक हजार बस दिए यूपी गवर्नमेंट को सो दैट शोज इज ओनस हर ओनर्स ये उसका ओनर्स शो करता है बेटा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है तो यू जस्ट कोरिलेट द वर्ड विद दैट ऑल्सो ओके एक्सबेट बेटा एक्सबेट बहुत बढ़िया वर्ड है एग्जिट एग्जिट का मतलब क्या होता है प्रॉब्लम बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग कुछ बहुत बुरा करना समझो एक्ट बेटा दो तीन बार बोलोगे ना एग्जेट तो आपको समझ भी आएगा इसके अंदर एसिड जैसी साउंड है ठीक है एग्जेट मतलब होता है कुछ अलग सा बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक होगा एग्जेशन नहीं है वो अलग है ठीक है तो आप प्रॉब्लम बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग होगा वर्ष बुरा कर देना जैसे समझते हैं द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट बेटा एक्सॉर्बिटेंट क्या होता है बढ़ता हुआ राइजिंग ये वर्ड याद कर लेना ये भी बहुत अच्छा वर्ड है राइजिंग जैसे होता है ना एक्सॉर्बिटेंट रेंट इन दिल्ली एग्जॉर्बिटेंट रेंट इन मुखर्जी नगर ओके मेक एवरीवन वन इंटेंशन ठीक है पुट एवरीवन वन तो एग्जॉर्बिटेंट होता है बढ़ता हुआ तो द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ लैंड लैंड की बढ़ती कॉस्ट इन अर्बन एरिया ओनली एग्जॉबिटेड द प्रॉब्लम इसने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया ठीक है हा दिव्यता बिल्कुल सही बात है बेटा पांडे लेकिन हिंदी नहीं लिखेंगे ना पल्ल हम हिंदी नहीं लिख पाएंगे ठीक है इंग्लिश में ही समझाएंगे आप जितना कहोगे हाँ बेटा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड क्राइसिस हैज एग्जीबेटेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल सही है वर्ब है द फूड क्राइसिस हैज बच्चों देख लो बढ़िया एग्जाम्पल है द फूड क्राइसिस हैज एग्जिटेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स ऋषभ मिश्रा ने बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल लिखा है वेल डन बच्चे फॉर द फॉरेस्ट लाइफ वॉर एक्सबिटेड बाय द लैक ऑफ रेन बेटे जैसे ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट में आग लगी थी ना एमेजन फॉरेस्ट में वो जो थी तो आप कह सकते हो द फॉरेस्ट लाइफ फायर वॉज एक्साबिटेड बाय the लैक ऑफ रेन बारिश की कमी से वो और बुरी हो गई और वर्स्ट हो गई दैट इज कॉल्ड एग्जिटेड ठीक है नेक्स्ट आ जाओ अब है बच्चो ईडियम टाइम ठीक अब सुनो ये जितने भी मैंने वर्ड्स कराए हैं बेटा ये वर्ड्स आपको कहां मिलेंगे जो पैसेज आज की पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया जाएगा बात समझ गए उस उस बेटा पैसेज में ये सारे वर्ड्स मिलेंगे तो आप उस पैसेज को एक बार पढ़ना सारे वर्ड्स रिमाइंड हो जाएंगे कल जैसे ही क्लास शुरू होगी मैं आपका टेस्ट लूंगा सबसे ऐसे ही छोटा सा टेस्ट लेंगे बेटा जैसे आज लिया था बस पांच वर्ड का ठीक है उसमें मैं आपकी वॉकैप भी चेक कर लूंगा और मैं आपके रीडिंग स्किल्स भी चेक करूंगा ठीक है तो कल आपका टेस्ट हो जाएगा तैयार हो जाओगे कल के लिए पढ़ के आना अच्छे से Idiom time, बेटा एडीएम मैं निकालूंगा आपको थीम बेस्ड यानी कि कुछ कुछ ईडीएम कराएंगे लेकिन थीम से रिलेटेड होंगे जैसे आज की थीम क्या है वो भी देख लो बच्चों आज की थीम है हमने ना एनिमल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड मुहावरे लिखे जैसे लियोपार्ट कांट चेंज इट्स स्पोर्ट बेटा समझो लियोपाट कांट चेंज इट्स स्पोर्ट बेटा सुन के समझ आ रहा है कि जो आ, कोई भी टाइगर है लाइन है या लिपाट है वो कभी भी अपने कोर्स को चेंज या अपने स्पोर्ट को चेंज नहीं करता है ठीक है by creating social accumulation don't make risk of spread of covid-19 बिल्कुल सही बात, बात. है रिबा ठीक है वेल डन सी एग्जाबेडेटेड द होल डे उसने पूरे दिन को खराब कर दिया ठीक है पल्लवी बहुत अच्छा ठीक लेकिन इससे अच्छा होगा कि आप कुछ ऐसा बताएंगे कि किस चीज ने ठीक है कोई आदमी कैसे आपके स्पॉइल कर रहा है डिकोड जो पीपल कैन नॉट सक्सेसफुली डिस्गाइज और चेंज देयर एसेंशियल नेचर मतलब क्या है बच्चे आप जैसे हो ना जिंदगी भर वैसे ही बने रहते हो तो इसका मतलब होता है पीपल कैन नॉट सक्सेसफुली डिस्गाइज एक तो आप वेस्ट नहीं बदल सकते हो और चेंज देयर इसेंशियल नेचर यानी कि आप अपने इसेंशियल नेचर्स या क्वालिटीज को चेंज नहीं कर सकते हो इसका मतलब हमने दिया जूडिस्वेर शी विल टेल द ट्रूथ फ्रॉम नाउ ऑन जोडित ने कसम खा ली कि अब मैं हमेशा सच बोलूंगा या बोलूंगी ठीक है बट आ लिपाट कैन नॉट चेंज इट स्पोर्ट इसका मतलब क्या हुआ कि यह अभी भी झूठ बोल रही है कि वो होता है ना बेटा कि चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन घूमना फिरना नहीं छोड़ता है कहते हैं ना ऐसा तो दिस इज द हिंदी हे कि कहने का मतलब यह है कि आदमी कितना भी चेंज कर ले लेकिन वो अपने इंटरकोर्स या नेचर से चेंज नहीं हो सकता है तो लिपाट कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट बच्चों ऐसा करो इस वाले मुहावरे को भी एक सेंटेंस में यूज करके दिखाओ कैसे यूज कर सकते हो ठीक है जैसे हम कह रहे हैं ना कि चोरी तो छोड़ चोर सकता है लेकिन वो कभी घूमना फिरना नहीं छोड़ेगा तो दैट इज कॉल्ड अ थिंग सफॉर सी एपीएफ पेपर टू विच न्यूज पेपर इज बेटर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस बेटा बोध क्योंकि द हिंदू में कुछ अलग कंटेंट आता है इंडियन एक्सप्रेस में अलग आता है तो दोनों अच्छे हैं आयुष क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ठीक है आज नेक्स्ट बात करते हैं डोंट हैव अ काव अ कागजैक्टली नेगेटिव मीनिंग में यूजअली यूजेटिव मीनिंग में यूज होता है जैसे आप किसी को कॉमेंट कॉमेंट कर देते हो ना ऐसे टू गेट अपसेट और एंग्री मतलब नाराज हो जाना एंग्री हो जाना जैसे डोंट हैव अव मैन आई जस्ट मेकिंग अजेशन मतलब यार तुम नाराज मत हो कहते ना डोंट हैव अव जैसे कोई आप आप बताना चाह रहे हो कि भाई हमारा कंटेंट ऐसा है ऐसे पढ़ना चाहिए ये करना चाहिए तो अगर डोंट हैव अ अकाउ यार मेरा तो ये सजेशन ही तो है आपके लिए तुम परेशान मत हो अपसेट मत हो इट इज यूज नेगेटिवली ठीक है तो डोंट हैव अ अकाउ समझ आ रहा है बच्चों ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नेक्स्ट आओ बेटा हॉग वाइल्ड हॉग किसके लिए आता है दैट इज फॉर द पिग बेटे आता है पिग के लिए ठीक है हॉग मतलब पिग होता है एंड जैसे कहते हैं ना यू आरा हॉक तो बेटा एक तरीके की गाली भी होती है ठीक है हाँ राम ने बुरी आदत तो छोड़ दी लेकिन बुरे फ्रेंड्स नहीं ठीक है तो कहने का मतलब है ना लिपाट कभी भी कोई भी आदमी अपना चेंज जो, लाइफ का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करता ठीक है तो इसका मतलब हो गया बेटा एक्ट इन कंप्लीटली अनहिबिटेड मैनर ओके अन इनहिबिटेड वे मतलब बुरी तरीके से डील करना तो हॉक का मतलब होता है पिग यानी कि पिग जैसे वाइल्ड हो जाना बेटा जंगली मतलब जैसे होता है ना क्या एक पिग हो गया वाइल्ड एनिमल है जंगली सुअर जैसे हो जाना सो दैट इज बेटा ये हॉक के लिए आता है खाना पीना भी आता है कि कोई आदमी बहुत जल्दी से खाता है ना जैसे कोई आदमी ज्यादा खाना खा रहे हैं ऐसे कह सकते हो तो ना डोंट हॉक यार ये क्या तुम कर रहे हो मतलब इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो आधा खा रहे हो आधा स्पॉइल कर रहे हो तो उसको हॉक कहते हैं ठीक है थीके? काव्या हाँ बेटा मैंने बताया तो था करेक्ट बेटा ऐसे ही तो करना है द थी वॉज हैबिचुअल सो दैट सो वी कैन से हा बेटा बिल्कुल साफ हम कह सकते हैं कि थीव जो था ही कमिटेड दैट आई विल नॉट डू द क्राइम बट आपने बट लगा दिया बट आलियापाट कैन नॉट गो आउट ऑफ हिज स्पोर्ट्स ठीक है आ जाओ आई वेंट हॉग वाइल्ड एट शो आई रियली बॉन्ट मोर देते देखा होगा कि वो जो द्रौपदी का चीर हेंड वाला सीन है बेटा सबको समझ आ रहे हैं ना तो युद्धिस्टर क्या हो गए थे हॉगवाइल्ड हो गए थे वहां पे अब समझ गए अब तो नहीं भूलोगे बेटा गेटिंग बाई पॉइंट समझ रहे हो ना ठीक से कि बेटा क्या हो गए थे हॉगवाइड हो गए थे और उन्होंने क्या कर दिया सब कुछ खत्म कर दिया सेम एग्जाम्पल यहाँ वेंट हॉग वाइल्ड एट शो आई रियली बॉट मोर देन आई कोड अफर्क जितना मैं चाहता था उससे ज्यादा खरीद सकता था ठीक है बेटा हॉग वाइल्ड हो जाना है किसी चीज के लिए हॉगवाइल्ड होना यानी कि किसी चीज के लिए एकदम पागल हो जाना ठीक है सो जैसे उन्होंने सब कुछ बेच दिया था इट इज महाभारत बिल्कुल महाभारत में हॉग वाइल्ड के एग्जाम्पल है आगे आ जाओ बेटा कंगारू लूज इन द टॉप पेडलॉक अब सुनो कंगारू को छोड़ दिया किसमें इन द टॉप पेडलॉक में अब सॉरी पेडॉक में बेटा पेडॉक क्या होता है यहां देख लो पेडॉक होता है आई स्मॉल फील्ड और एनक्लोजर वे हॉर्सेज आर कैप्टर एक्सरसाइज एक ऐसी जगह होती है बेटा जहां पर आप घोड़ों को एक्सरसाइज कराते हो यानी कि दौड़ाते हो उन्हें उनके कोर्स पे लेके आते हो उस जगह को पेडोक कहते हैं और आपने वहां कंगारू छोड़ दिया तो क्या कहोगे इस चीज को बेटा यही तो कहोगे बी स्लाइटली क्रेजी थोड़ा सा क्रेजी हो जाना बात समझ गए बेटा जहां घोड़े दौड़ते हैं वहां कंगारू क्या करें करेगा समझ रहे हो ना कंगारू तो वैसे घोड़ों के बीच मर जाएगा तो बी स्लाइटली क्रेजी थोड़ा क्रेजी काम करना ठीक है आ जाओ होवर्ड में सीम एज दो ही हैज अ कंगारू लूज इन द टॉप पेडॉक बट ही वर्कस वेल अंडर प्रेशर मतलब ये इंसान जैसे राम लिख लो ना समझ आ रहा हो बेटा राम में सीम्स राम ऐसा लगता है मे सीम एज दो ही हैज अ कंगारू लूज इन दैडॉक टॉप पेडॉक मतलब जैसे कि वो बिल्कुल क्रेजी है कोई ढंग का सा काम नहीं करता है बट ही वर्क वेल अंडर प्रेशर लेकिन जब प्रेशर आता है तो बहुत बढ़िया काम करता है ठीक है हाँ बेटा मोहन पैसों के लिए हॉग वाइड वाइल्ड हो गया बिल्कुल सही बात है बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक कंट्री हैज बिकम हॉग वाइल्ड बिल्कुल सही बात है रिबा सिंह आप ऐसे भी कह सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से लोग हॉग वाइल्ड हो गए कि कैसे ही खुल जाए हम तो बस मर लेंगे लेकिन काम जरूर करेंगे आजों बेटा बार्थ इज वर्स हिज बाइट बार्थ मतलब होता है ना भोकना इज वर्ड है बाइट उसके बाइट से तो देखो बड़ा अच्छा, अच्छा है बेटा हॉस्टाइल इन मैनर बट एक, एक्चुअली फ्रेंडली बट एक्चुअली क्या है बेटा फ्रेंडली है मतलब वो देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत है हॉस्टाइल है लड़ने के मूड में बट एक्चुअली फ्रेंडली है तो समझ आ रहा है ना बार्क इज वर्स बार्क जो है वो बहुत वर्स है देन हिज बाइट उसके बाइट से ठीक है यानी कि वो शो तो करता है हॉस्टाइल है लेकिन वो सचमुच में फ्रेंडली है जैसे डोंट वरी अबाउट बैन बैन के बारे में परेशान मत हो ही विल गिव यू अ हार्ड टाइम एट फर्स्ट बेटा वो ही विल गिव यू अ हार्ड टाइम एट फर्स्ट बट हिज बार्क इज वर्स हिज बाइट मतलब वो दिखता ही बुरा है लेकिन आदमी बहुत अच्छा है पाकिस्तान ट्राई मैनी शो बेटा मैनी होगा अटैम्प्ट बिल्कुल attempts होना चाहिए टू शो हिमसेल्फ हिमसेल्फ्लॉलेस इन एफ ए टी एफ ठीक है बट ऑल वर्ल्ड नोज दैट लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट बहुत बढ़िया आदित्य वेल डन वेल डन बच्चे अगर आप लोग ऐसा करना सीख जाओ तो बेटा आपको इंग्लिश में दिक्कत ही नहीं आएगी और आदित्य ये एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूलोगे मैं आपको सच बता रहा हूं ही इज सच आर पैसोनेट दैट पीपल लुक हिम एज अ कंगारू इन द टॉप एड बिल्कुल सही बात है कि वो ले, लेजी दिखाई देता हैचर बिल्कुल बिल्कुल वॉट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टाइल हॉस्टाइल बता होता है लड़ने के मूड में झगड़ा करने वाले मूड में ठीक है द ग्रेट लॉस इन वेल्थ मेड हिम हॉग वाइल्ड वर्ड इज फ्रेंड ठीक है बिल्कुल सही बात है कि उसको हॉग वाइल्ड बना दिए यानी कि बहुत ज्यादा uh, कैसा बना दिया बता वाइल्ड नेचर होता है ना लड़ने के मूड में ठीक है तो हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट बिल्कुल क्लियर है ना ऐसे कहते हैं ना कि यार आदमी मतलब मुंह पे गालियां दे दे लेकिन पीछे बेईमानी बे, 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 बे ना करे पीछे उल्टी सीधी बातें ना करे समझ लो तो वही कहते हैं बेटा ठीक है आगे आ अच्छा अब बच्चों, है बच्चों सिनोनिम्स टाइम ठीक है सो जल्दी से थम्स अप करोगाइज आर यू रेडी फॉर द सिनोनिम्स नाउ फ्रेंडली भी हो सकता है बेटा तो भी हो सकता है ना काव्य लेकिन होता नहीं है ना ठीक है होता नहीं है आप इसको ऐसे मत कहो ठीक है कोई ऐसा एनिमल सोचो जो दिखने में बहुत डरावना होता है लेकिन जब आप उसके पास जाते हो तो वो आपको बड़े प्यार से रखता है सो दैट कैन बी द करेक्ट आंसर ठीक है आ जाओ तो बच्चों पांच सिनोनि में आया हूं फटाफट बताओ क्या आंसर होगा ऑब्ड्यूरेट क्या आंसर होगा केयरलेस कंट्रेरी कैलस एंड डिस्टर्ब जल्दी से मार्क करो फटाफट मेक इट फास्ट गाइड मेक इट फास्ट वेल डन गाइस फटाफट बताओ ऑब्ड्यूरेट का क्या आंसर होगा केयरलेस कंट्रेरी कैलस एजन सी आंसर होगा कैलस कैलस तो बेटा अनकाइंड होता है एलिफेंट यू कैन से ठीक है बेटा कंट्रेरी ऑब्डूरेट मतलब होता है हार्ड टू प्लीज बेटा हार्ड टू प्लीज जिसे आप मना नहीं सकते हैं ठीक है Uh, जिद्दी हैडोनिस्ट है जो किसी की बात नहीं मानता है स्टबर्न इज द करेक्ट आंसर डी होगा बेटा स्टबर्न होगा ऑब्ड्यूरेट का करेक्ट आंसर होगा, जिद्दी होगा ओके जो किसी की बात नहीं मानता ऑब्ड्यूरेट होगा डी विल बी द करेक्ट आंसर वेल्डन वेल्डन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो निहारिका ने सही आंसर दिया है शायद ठीक है और दिस इज गुड गुड क्षी अक्षर दीप्ति सिंह सबका आंसर सही है हाई फिटनेस का सही है आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेसिट्यूड का आंसर बताओ बच्चे क्या आंसर होगा लेसिट्यूड सईद का आंसर सही है रिबा सिंह का सही है ठीक है एसआरटी बिल्कुल सही आंसर बेटा जल्दी से आंसर दो तो लेट्यूड का आंसर क्या होगा मार्क और आंसर गाइज लेसिट्यूड जल्दी करो बच्चों लैसीट्यूड ठीक है आ जाओ शुरू करते हैं बहुत बढ़िया बेटा लैसीट्यूड तो ऐसे होता है ना लेजी जो आदमी काम ना करता हो ठीक है स्लो होगा या आइडियल होगा ऐसे करते हैं ना बिल्कुल एकदम तो इसका करेक्ट आंसर बेटा स्लगिसनेस होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर स्टेगनेट तो रुका हुआ होता है ना डिप्रेशन ही होगा डेली कैसे नाजुक होता है ए विल बी द करेक्ट आंसर वेल डन बहुत बढ़िया आंसर सबका आंसर बहुत बढ़िया है बिल्कुल बढ़िया सर ये कल कल ये पढ़ाए थे नहीं बेटा कल ये नहीं पढ़ाए थे कल वाले का टेस्ट आज हो चुका है पहले आज वाले का टेस्ट कल होगा ये अलग से वर्ड्स हैं नेक्स्ट बताओ डेसिकेटेड क्या होगा डेसिकेटेड बताओ बच्चे क्या होगा ड्रेन करना ड्राई करना क्लियर करना या फेड करना मार्क और आंसर जल्दी से आंसर करो बेटा डेसिकेट हाँ, बेटा डेसिकेट का मतलब होता है गेट वाटर आउट है ना फ्रॉम अ सरफेस और वॉटवर कहीं से भी बेटा पानी को बाहर निकाल देना ठीक है सो ड्राई विल बी द करेक्ट आंसर वेल ड्राई विल बी द करेक्ट आंसर डेसिकेट का मतलब यही होता है बेटा पानी निकाल देना ठीक है नेक्स्ट बताओ और डेसीमेटेड क्या होगा बच्चे डेसीमेटेड बताओ क्या आंसर होगा डेसिमेट करना कैप्चर करना होगा डैमेज करना डिस्ट्रॉय कर देना वरिड कर देना यू नो यू हैव द कंफ्यूजन बिटवीन बी एंड सी बेटा ठीक से आंसर देना इन्हीं दोनों में आंसर होगा ठीक है डेस्ट्रॉयड बहुत बढ़िया और कोई आंसर दो निहारिका ने कहा डेस्ट्रॉयड होगा रिबासिंग सी होगा वेडन गाइज शुरू करें बेटा डेसीमेटेड का मतलब ही डिस्ट्रॉय करना होता है किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना डैमेज माने खत्म करना नहीं होता सिर्फ चोट पहुंचाना होता ठीक है आ जाओ नेक्स्ट बताओ कॉन्ट्राबेंड क्या होता है बेटा बर्गर होगा जगल डोगा हो बैफल डोगा या स्मगल्ड होगा कॉन्ट्राबेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा कॉन्ट्राबेंड क्या आंसर होगा बर्गर आपको पता होगा ना चोरी कर लेना ठीक है नमस्कार इंग्लिश फंडा जगलिंग आपको पता होगा जगलिंग विद वर्ड जगल करना जूझते रहना चीजों से बैफल भी सेम होता है स्मगल्ड क्या आंसर होगा जल्दी से आंसर करो जगल्ड स्मगल्ड बिल्कुल सही बात है बेटा स्मगल्ड इज द करेक्ट आंसर स्मगलिंग होता है कॉन्ट्राबेंड किसी चीज को इलीगल करना जो लीगल ना हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी काम को कर देना चीजों को बेटा गैम्बलिंग करना दैट इज कॉल्ड द स्मगल्ड होगा बिल्कुल प्रतीक राज बहुत लेट आए बच्चे सो स्मगल्ड इज द करेक्ट आंसर ठीक है हा डी विल बी द करेक्ट आंसर वेल डन वेल डन गुड गुड आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट देखो बच्चे फ्रेजल वर्ब मैं आपको दो फ्रेजल वर्ब कराऊंगा आज ठीक है और कल इनका सबका रिवीजन होगा एक्ट ऑन एक्ट ऑन बहुत मुश्किल नहीं है याद आ गई होगी बेटा एक्ट ऑन Take action according to or in the light of something किसी चीज के उसमें जैसे I shall certainly act on his suggestion यानी कि मैं उसके तरीके से जैसे वो बताएगा वैसे काम करूंगा तो I shall certainly act on his suggestions मतलब take action according to or in the light of somebody ठीक है that is called act on okay next आओ next आओ next है बच्चे we really do welcome your suggestions and try to act on them when possible matlab we really do welcome do welcome समझ आ रहा है बेटा emphasize करने के लिए जब आप प्रेशर डालते हो तो do के साथ verb लगा देते हो तो we really do welcome your suggestions हम तुम्हारे सजेशंस का स्वागत करते हैं एंड ट्राई टू एक्ट ऑन ऑन दैम वेन पॉसिबल जब भी पॉसिबल होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं वही मैं आपको बताने की को कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको मैंने कहा है बेटा देखो ये क्लासरूम है इट इज नॉट ओनली द यूट्यूब क्लासरूम कि आप यूट्यूब पे आते पढ़ के जाते हो आई वॉन्ट टू मेक इट अ प्रॉपर क्लासरूम जैसे आप कोर्स में हो इसको आप ऐसे समझो कि आपने अपना पेमेंट दे रखा है अब आपको डेली नौ बजे आना है और आपकी क्लासरूम में जो भी आपके सजेशन है बेटा वो एक्सेप्टेड है आई विल एक्ट ऑन अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन दो ठीक है दोन दोस्टीन ईयर लेटर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चूज टू एक्ट ऑन दैट एंड डिस्पैच द फ्लीट मतलब उन्होंने उस पर कार्यवाही की और डिस्पैच कर दिया फ्लीट को नेक्स्ट आ जाओ बच्चे एक्ट समथिंग आउट बेटा एक्ट आउट है ना वो एक्ट ऑन था ये एक्ट आउट है एक्ट ऑन मतलब किसी के तरीके से काम करना एक्ट आउट परफॉर्म अरेटिव एज इफ दे प्ले मतलब परफॉर्म एज अरेटिव एज इफ दे वर आ प्ले बेटा कोई प्ले होता है ना उसको जब आप परफॉर्म करते हो एग्जाम्पल देखो आर टीचर्स वर एनकरेजिंग अस टू एक्ट आउट द स्टोरीज मतलब उन्होंने कहा कि हमें रोल प्ले करूं यानी कि मैं अगर आपके लिए आसान कर दूं तो ये होता है बेटा रोल प्ले करना ठीक है तो टीचर ने कहा कि रोल प्ले करना होगा

बच्चों ऐसे देखो दो वर्ड आपको डेली मिलेंगे ये सबसे जरूरी है मैं आपको सच बताऊं इन्हें आप किसी पेपर पे नोट भी कर सकते हो ठीक है अगर आपको दिक्कत है ये वर्ड्स जब पेपर में आते तो आपको परेशान करते हैं जैसे एक वर्ड है एफेक्शन दूसरा है एफेक्टेशन कल मैंने आपको कराए थे बेटा एक डेजर्ट कराया था याद आ रहा है कुछ कुछ एक डेजर्ट कराया था और एक एबंधन कराया था एबंडन माने छोड़ देना इस ओप के साथ कि कभी वापस नहीं आना ठीक है थीके? डेजर्ट किसी को परेशानी में छोड़ देना एबंधन का सिप था डेजर्ट का वाइफ था याद आ गया बच्चों तो ऐसे ही आपको डेली दो वर्ड में कराऊंगा दो से ज्यादा नहीं ऐसा थोड़ी एक ही दिन में सारी लिस्ट पढ़ा दो बेटा धीरे धीरे कराएंगे सब समझाएंगे तो एफेक्शन और एफेक्टेशन में क्या डिफरेंस है आज बच्चों बेटा हर पेपर में आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स रिबा सिंह ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जिसमें ना तो बेटा आपके पेपर में ऐसा आ जाएगा ना कि आपके पेपर में वर्ड्स देते हैं उनसे सेंटेंस बनाना होता है रिबा सिंह जो सीएपीएफ का एग्जाम आता है कि वर्ड दे देगा कहेगा सेंटेंस में यूज करके दिखाओ तो वहां आपको आना बहुत जरूरी है बेटा डेजर्ट रेगिस्तान होता है पूरा पहला वाला दूसरे वाला स्वीट होती है ठीक है आ जाए बेटा एफेक्शन जो होता है ये लव होता है जैसे मदर का अपने बच्चों के लिए होता है फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस ठीक है प्यार की बात करते हैं जैसे आई हैव अ रियल पर्सनल एडमिरेशन एंड अफेक्शन फॉर हिम मेरी बहुत ज्यादा एडमिरीशन है और एफेक्शन है लव है फॉर हिम एंड आई होप एंड बिलीव ही डज फॉर मी एज वेल और मेरी आशा है और मैं मेरा विश्वास है कि उसका भी ऐसा ही मेरे लिए भी होगा तो बेटा ये पॉजिटिव वर्ड होता है याद रखना ये एक पॉजिटिव वर्ड है जिसमें आप फीलिंग की बात करते हैं जैसे मदर का अपने बच्चों के लिए अफेक्शन है तो वो पॉजिटिव है जैसे हैव यू अफेक्शन फॉर योर चाइल्ड क्या तुम्हारा अफेक्शन है अपने बच्चों के लिए तो बेटा बच्चों के लिए जो मदर फादर का होता है वो अफेक्शन होगा ठीक है हाँ बेटा एफेक्शन जो होता है एट्रेक्टिवनेस अच्छा होगा कि हम कहेंगे लव होता है एक तरीके का लव होता है ठीक है हाँ बेटा दो बजे क्लास होगी काव्य सिंह दो बजे वाली क्लास जो है वो एज इट इज होगी फ्लीट मींस कॉन्वॉय बिल्कुल सही बात है फ्लीट माने शिप्स होते हैं ना बेटा कॉन्वॉय होता है जैसे आपका जो कार होती है ट्रक होते हैं लॉरी होती है इनका कॉन्वॉय होता है और फ्लीट होता है शिप्स का बोर्ड का ठीक है नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट है बेटा एफेक्टेशन अब सुनो बेटा एफेक्टेशन एक नेगेटिव वर्ड है अंतर समझ आ गया एफेक्शन एक पॉजिटिव वर्ड है एफेक्टेशन एक नेगेटिव वर्ड है मतलब ये होता है बेटा अननेचुरल बिहेवियर मैनर ऑफ स्पीकिंग इंटेंडेड टू इम्प्रेस अदर मतलब आप जब दूसरों को लुभाने के लिए अलग तरीके का बिहेवियर यूज करते हो दैट इज कॉल्ड द एफेक्टेशन जैसे आई डिटेस्ट ऑल फेक्टेशन मैं हेट करता हूं सारे दिखावे को इसको आप कह सकते हो एफेक्टेशन मतलब अगर मैं हिंदी में लिख दू तो दिखावा भी कह सकते हैं ठीक है आ, ऐसे ईच ऑफ द परफॉर्मर्स इज डिस्टिंग सारे डिस्टिंग थे बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज और हर यूनिक एपीरियंस ऑफ और एफेक्टेशन उनका जो दिखावा था ना जो वो शो ऑफ कर रहे थे उसकी वजह से वो सब अलग थे इनफेचुएशन बेटा इन तो पॉजिटिव वर्ड होता है ना लगाव होता है इनफेचुएशन मतलब जैसे लव होता है ये ओपन फीलिंग होती है टुवार्ड समवन वन होता है कि आपको ये पता ही नहीं कि लव है या नहीं है बस आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हो ठीक है सो दैट कैन नॉट बी द नेगेटिव वन बेटा प्रीटेंस होता है बहाना ओके डेलिब्रेट डिस्प्ले ऑफ जेस्टर दैट आर नॉट ट्रूली फेल्ट हिज एफेक्टेशन वाइल्ड सिंगिंग रियली गैट्स ऑन माइ नर्व मतलब उसका जो ये दिखावा है ना वाइल्ड सिंगिंग जब गाना गाती है रियली गेट्स ऑन माय नर्व्स ये मुझे परेशान करता है ठीक है तो एफेक्टेशन होता है बेटा नेगेटिव दिखाना करना ठीक अब ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ ठीक है अब समझो अब आता है बेटा वो जो मैं आपको बता रहा था देखो ये बच्चों एटीन ऑफ मे का एडिटोरियल का एक आर्टिकल है ठीक है एटीन ऑफ मे एडिटोरियल समझ गए फार्म गेट ऑन इन फोकस बेटा ये इसका टाइटल है ठीक है ये इसका एक्सप्लेनेशन है और पूरा पैसेज अब आपके सामने आ जाएगा देखो ये पूरा पैसेज है दिख रहा है इस पैसेज पूरा ठीक है अगर थोड़ा सा मेरे फोटो की वजह से नहीं दिखाई देगा तो मैं आपको बता दूं वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी वैसे कंप्लीट दिखाई दे रहा है बहुत बढ़िया तो बच्चों आज आपको पैसेज का तरीका सही लगा या नहीं लगा पहले आप मुझे बताओ ये तरीका बेस्ट है ना पैसेज का यह पूरा टैक्स फॉर्मेशन में है इसे आप आराम से आप पढ़ सकते हो ठीक है देख रहा है ना बहुत बढ़िया हाँ बेटा एफेक्शन होगा वो एफेक्टेशन नहीं होगा बिल्कुल सही बात है हां पढ़ा है आपने आर्टिकल ठीक है सुविता तो ये आर्टिकल आपने बच्चों देख लिया दिस इज द कंप्लीट आर्टिकल वी हैव अब सुनो कल का मैं आपको बता दू कल क्या होगा बेटा मैं आपको सच बता रहा हूं पहली बता देता हूं बेटा इस आर्टिकल से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ठीक है आपको उनके आंसर देने हैं इससे अलग जो आज जितनी भी वॉकअप पढ़ाई है बेटा उनके क्वेश्चंस के आंसर देने और उसके बाद कल वाला सेशन एज अट इज शुरू हो जाएगा तो बेटे बैक टू बैक रिलेटेड क्लासेज होंगी मंडे टू थर्सडे चार दिन सेशन रखेंगे बढ़िया प्रोडक्टिव सा आ, कल वाला गूगल में जाके पढ़ना पड़ा था हाँ तो आज मैंने वही सोचा कि वो आपको गूगल से पढ़ना पड़ा होगा अब आपको गूगल से पढ़ने की जरूरत नहीं है यू विल गेट द पीडीएफ आपको पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ से पढ़ना कल ठीक से तैयार होकर आना देखते हैं आप कितने पढ़ के आते हैं ठीक है तो बच्चों जितने भी हमसे जुड़ना चाहते हैं देखो मैं आपको बता दू लक्ष्य सीएपीएफ ट्वेंटी बेटा कोर्स आ रहा है ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे से तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट रिजर्व कर लो कंफर्म कर लो पूरा बैच पढ़ाएंगे सब कुछ बताएंगे ऐसे राइटिंग आर्गुमेंट राइटिंग डिबेट ठीक है जो भी आपका पार्ट है बेटा एवरीथिंग विल बी डिस्कस ग्रामर की भी स्पेशल क्लासेस जो उसकी ग्रामर आती है ना बेटा उसको कहते हैं सीडीएस से कवर कर लो नहीं उसमें मैंने ग्रामर की भी स्पेशल क्लासेज डाली हैं क्योंकि एक्टिव पैसे अलग तरीके से आता है डिस्क्रिप्टिव मोड में ठीक है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू आता है ऑफ द आते हैं तो मैंने सब कुछ बेटा वहां भी बनाया है तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें कोर्स को जल्दी से जल्दी ट्वेंटी तो को है और मेरा रेफरल कोड याद कर लेंगे ए एम सर टेन परसेंट का इंस्टेंट ऑफ फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा गाइज आपको सेशन कैसा लगा यह जरूर बता के जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें सेशन को लाइक करते रहो शेयर करते रहो ठीक है वेलकम हाँ, मैंने आपको बता दिया कि आपको तो जो पीडीएफ मिलेगी बेटा एक तो हो ये होगा ये लिखा लैक्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स एक तो ये टेलीग्राम चैनल है यहां मिल जाएगी और बेटा एक चैनल है इंग्लिश दुनिया यहां मिल जाएगी आप कोई सा भी चैनल टेलीग्राम का सब्सक्राइब कर लो दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है हा पीडीएफ लेने के लिए यू हैव टू डू दैट अभी थोड़ी देर बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं मतलब अभी मेरी क्लास है बैक टू बैक तो उसके बाद में मैं साढ़े ग्यारह बजे के बाद पीडीएफ अपलोड कर दूंगा कल तक पढ़ के आए तैयार होके आए कल हम फिर दोबारा से कुछ ना कुछ कराएंगे ठीक है तो थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास बहुत अच्छा लगा आप सब हमसे लगातार जुड़े हुए हैं सो बच्चों डेली क्लास में आया करो ठीक सब्सक्राइब करो चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो अगर कोई भी अगर कोई भी सजेशन हो तो बेटा कॉमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़े बिल्कुल ऑरेली होगा रिसेप्ट परपोटेडली मतलब ऑरेली होता है बिल्कुल सही ओके सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर बाय बाय जय हिंद गुड डे